सो गाइस Samsung Galaxy F54 के लॉन्चिंग को लेकर जो भी लोग वेट कर रहे थे, फाइनली उसके लिए अच्छी खबर आ गई है। लॉन्च डेट अनाउंस हो गया दोस्तों, इसी महीने 6 जून को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि लॉन्च से पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें सामने निकल के आ गई है, यहां तक कि इसका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है। तो कैसा होगा ये फोन, यहां पर आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह क्या क्या होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जाएगी और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आएगा, जहां पे आपको मैट एंड ग्लोसी फिनिश के दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। काफी सिंपल सा क्लासिक सा यहां पे डिजाइन देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है 2 कलर में इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। टॉप लेफ्ट में सिंगल पैटर्न में यहां पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे एंड उसकी राइट साइड एक LED फ्लैश लाइट होगी और नीचे की तरफ सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो यहां पे प्लास्टिक का होगा और फ्रंट की तरफ यहां पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों, सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट होगा। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहां पे पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहां पे 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का होगा और यहां पे HDR10 प्लस के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर अच्छे निकल के आएंगे, पंची निकल के आएंगे, मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बाकी स्मूथनेस के लिए यहां पे 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो यहां से भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और प्रोटेक्शन के लिए यहां पे कहा जा रहा है डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेंगे, तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी होगी। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर Exynos का 1380 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी हमने Galaxy A54 में देखा है। डिसेंट प्रोसेसर है दोस्तों, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है, 5 लाख से अधिक एंटू तो स्कोर निकाल कर दे सकता है, तो नो डाउट डे टू डे ऐप में तो इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप हैवी गेमिंग करना पसंद करते हो, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो, तो उसके लिए ये प्रोसेसर डिसेंट है। BGMI में मैक्सिमम यहाँ पे आपको 60fps की ही ग्राफिक सेटिंग मिलेगी। एक चीज और बता देता हूँ कि ये सैमसंग का प्रोसेसर है, सैमसंग ने मैन्युफैक्चरिंग करा है, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो फोन काफी हीट होगा। Galaxy A54 भी बहुत हीट होता है गेमिंग करते वक्त। बाकी यहाँ पे UFS 2.2 का स्टोरेज एंड LPDDR4X के रैम भी देखने को मिलेंगे, तो मल्टीटास्किंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। एप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह फोन की अच्छी होगी। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा जो कि One UI 5.1 के ऊपर रन करेगा और यहाँ पे Samsung के ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक नॉक्स की सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, सिक्योर फोल्डर भी होगा और Samsung वॉलेट भी देखने को मिलेगा। अब गाइज अगर हम इस फोन के बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइज इस फोन के अंदर 6000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और यही मेरे हिसाब से इस फोन का की हाईलाइट रहेगा। बड़ी बैटरी है दोस्तों, तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 2 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन इन द बॉक्स यहाँ पे चार्जर होगा या फिर नहीं ये चीज अब तक कन्फर्म नहीं हुआ। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों, फोन के अंदर NFC के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm जैक भी होगा और यहाँ पे माइक्रो HD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलेंगे, बट डेडिकेटेड नहीं होगा, हाइब्रिड सिम कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये एक 5G फोन है तो इस फोन के अंदर 11 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खैर अब गाइस अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 108MP का होगा जहां पर OIS के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30fps में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 8 और 2MP का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर होगी। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 32MP का होगा और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा दोस्तों वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, कोई भी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस कहा जा रहा है इसको 6GB 128GB 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के 3 मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 6GB 128GB उसकी प्राइस मेरे हिसाब से इंडिया में 29999 रखी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट करते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो 6 जून को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहेगा दोस्तों। और अभी अगर आप इस फोन को प्री रिजर्व करते हो 999 रुपये देके, तो बाद में यहाँ पे आपको 2000 रुपये का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप सैमसंग के फैन हैं, सैमसंग के फ़ोन आपको अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।